रिले के बारे में जानेंगे। रिले हम क्यों यूज़ करते हैं, ये इसको इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच भी बोलते हैं। जैसा हमारा नॉर्मल स्विच होता है जो हम हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, और ये ऑन ऑफ होगा जब उसको सप्लाई मिलेगा 230 वोल्ट या तो 24 वोल्ट। तो अभी इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि जहाँ पे कंट्रोल वायरिंग रहता है, अगर उसमें कॉन्टेक्ट ज़्यादा एनओएनसी यूज़ करने हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, और कॉन्टेक्टर जो है वो पावर के लिए यूज़ करते हैं। तो रिले और कॉन्टेक्टर, उनका दोनों का जो ऑपरेशन है वो सेम ही है। जैसे कि कॉन्टेक्टर को भी कॉइल को सप्लाई मिला तो वो कॉन्टेक्टर की कॉइल पिकअप होती है, उसका जो कॉन्टेक्ट है, अगर ओपन कॉन्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट रहेगा तो वो क्लोज होगा, और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट रहेगा तो वो ओपन होगा। तो अभी इसमें जो कनेक्शंस रहते हैं वो कनेक्शन हम देखेंगे कि कनेक्शन कैसे करने हैं। तो यहाँ पे ये जो रिले रहता है उसको प्ला रिले भी बोलते हैं। तो इसको जैसे हम निकालेंगे बाहर, यहाँ पे देखिए 13 और 14 नंबर है कॉइल को सप्लाई, 13 और 14। जैसे इस कॉइल को सप्लाई मिलता है, न्यूट्रल और जो फेज है ये 230 वोल्ट ऑपरेटेड कॉइल है एसी, तो जैसे एसी से 230 वोल्ट सप्लाई मिलता है तो ये कॉन्टेक्ट चेंज और होते हैं। जैसे कि अगर एनओ रहेगा तो क्लोज होगा और एनसी रहेगा तो ओपन होगा। तो अब हम कनेक्शंस कैसे करने हैं वो हम बताएंगे कि 13 नंबर पे लायू लगाना है और न्यूट्रल लगाना है 14 नंबर पे, और जो जो एनओ एनसी कॉन्टेक्ट्स है अभी एक हम ड्राइंग देखेंगे उसका। तो यहाँ पे 230 वोल्ट ये रहा और न्यूट्रल ये रहा, तो 230 वोल्ट वो जा रहा है स्विच के ऊपर, जो ये स्विच है, जैसे स्विच ऑपरेट करते हैं उसके बाद में रिले कॉइल को सप्लाई मिलेगा A1 और A2, ऐसे ही उसका टर्मिनल नंबर रहता है 13 और 14। और ये रिले में स्नाइडर मेक का यूज़ कर रहा हूँ। रिले का मेक कोई भी हो सकता है, स्नाइडर, सीमेंस, ओमरॉन, अलग अलग मेक्स के रिले रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सेम ही रहेगा उसका। तो जैसे स्विच में ऑन करूँगा तो ये जो लाइव रहेगा वो A1 को जाएगा या तो 13 नंबर को जाएगा, और न्यूट्रल ऑलरेडी देख के रखा है। तो जैसे स्विच ऑन किया, रिले कॉइल को सप्लाई मिल गया, वो कॉइल जैसे पिकअप होती है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उनके ऊपर जो एनओएनसी कांटेक्ट रहता है, यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल जैसे एनर्जाइज होती है तो ये जो कांटेक्ट है एनओएनसी तो वो चेंज ओवर होता है। तो जैसे ये पोल 1 है और पोल 2 है, वो 2 पोल भी आता है, 3 पोल भी आता है, जितने मल्टीपल पोल चाहिए वैसे हम रिले परचेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। तो ये पोल 1 है, तो पोल 1 के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है मैंने, 5 नंबर और 1 नंबर ये एनओ कॉन्टेक्ट है, ये एनसी कॉन्टेक्ट है। तो 9 नंबर मीन्स कॉमन रहेगा, ये एनओ रहेगा और एनसी रहेगा। तो 5 नंबर पे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ कोई इंडिकेशन लैंप या कुछ भी, हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, तो जैसे ये कॉइल को सप्लाई मिलेगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा और ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो इनिशियली जैसे हम सप्लाई ऑन करते हैं तो हमारा हूटर बजता रहेगा, और जैसे कॉइल को सप्लाई मिला तो ये इंडिकेशन ऑन होगा, हूटर बंद हो जाएगा। तो ऐसे चेंज होता है, हम दिखाएंगे कि वो एनओएनसी कैसे काम करता है। ये पोल नंबर 2 है, उसके ऊपर मैंने कॉन्टेक्टर का कॉइल पिकअप किया है। अगर मुझे मोटर ऑन करना है तो मोटर ऑन करने के लिए जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन करने के बाद ये पोल 2 उसको मैंने यूज़ किया है, तो 10 नंबर में 230 वोल्ट में लगा के रखूंगा, और जैसे कॉइल पिकअप होता है एनो क्लोज होगा, और ये C1 कॉन्टेक्टर जो है उसका कॉइल एनर्जाइज होगा और मोटर चालू हो जाएगा। तो अभी हम रिले पे देखेंगे कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। ये जो P1 मैंने दिखाया था, P1 9 नंबर, ये जो कॉमन है वो कॉमन यहाँ पे है 9 नंबर, और ये येनो के लिए है और ये एनसी के लिए है 5 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर मीन्स एनसी, और जो 5 नंबर है, 5 नंबर मीन्स एनो कॉन्टेक्ट। ये कॉमन जो देखे रखा है, जैसे कॉन्टेक्ट कॉइल पिकअप होती है वैसे ही येनो में सप्लाई आएगा, कंटिन्यूटी मिलेगा 9 नंबर और 5 नंबर का, और 1 नंबर और 9 नंबर उसमें ओपन आएगा। और अगर रिले बंद है, अगर उसको सप्लाई नहीं है, तो 1 नंबर में और 9 नंबर में कंटिन्यूटी मिलेगा। हम मल्टीमीटर से अभी चेक करेंगे कंटिन्यूटी लेके, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है।
सिलेक्ट करता हूँ मैं कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद में हम कंटिन्यूटी लेंगे, पहले तो एनसी का कंटिन्यू। अभी कॉइल एनर्जाइज नहीं, यहाँ पे ये इंडिकेशन ग्लो होता है जैसे हम उसको ऑन करेंगे, तो अभी ऑन नहीं है, तो कॉमन में और एनसी में कंटिन्यूटी मिलेगा। जैसे उस टाइम पे कंटिन्यूटी नहीं आया था क्योंकि स्क्रू टाइट नहीं था, कभी कभार ऐसा भी होता है स्क्रू अगर टाइट नहीं रहेगा तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। अभी एनसी में मैं चेक कर रहा हूँ, ये मेरा पहला पोल है, अभी कंटिन्यूटी आ रहा है एनसी में, ठीक है। एनओ में नहीं आएगा, एनओ में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, एनसी में आ रहा है। जैसे उसको एनर्जाइज करता हूँ तो एनओ में कंटिन्यूटी आएगा, एनसी में नहीं आएगा। उसको मैं ऑन कर रहा हूँ अभी, ये अभी एनसी से कंटिन्यूटी गया, अभी एनओ में आएगा और ये उसका इंडिकेशन भी ग्लो हो गया, ठीक है। तो ये अभी मेरा फर्स्ट पोल हो गया, उसमें ऐसे चार पोल हैं, 1 2 3 4, ये साइड में सब कॉमन है, ये एनो कॉन्टैक्ट है और ये एनसी कॉन्टैक्ट है, इसका एक एनसी कॉन्टैक्ट इधर है और ये इसका कॉइल को कनेक्ट करने के लिए 13 और 14 नंबर। यहाँ पे अगर हम सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट, ये ऑपरेटर कौन सा है 230 वोल्ट, यहाँ पे 24 वोल्ट ऑपरेटर में बिठता है, 12 वोल्ट ऑपरेटेड में मिलता है, तो हमने यहाँ पे 230 वोल्ट यूज़ किया है। ये भी प्ला कंपनी का बेस है और ये स्नाइडर का कॉइल है, ठीक है। तो ये 5 एम्पियर में के लिए ऑपरेट होता है, मीन्स ये जो टर्मिनल्स है जो 5 एम्पियर के, अगर 5, 6 के ऊपर या 10 के ऊपर जाता है तो ये टर्मिनल्स जलने के चांसेस है, और यहाँ पे अगर 230 वोल्ट है और 24 वोल्ट दिया तो वो ऑपरेट नहीं होगा, और 24 वोल्ट को 230 दिया तो ये कॉइल जल जाएगा, वो डैमेज हो सकता है, इसलिए पहले सप्लाई चेक करना है तभी उसको पावर ऑन करना है। और ये तो सब था कि रिले के बारे में, अगर कोई आपका कमेंट रहेगा या तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो आपको हम उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे।